हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी एजु हब ऑनलाइन क्लासेज। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। टॉपिक टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पल्स जो है उसके प्रकार दो टाइप है इसकी, एक ग्रेनुलोसाइट और सेकंड नॉन ग्रेनुलोसाइट, यानी कि आरबीसी की कोशिका द्रव में कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में इसको बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका में, और सेकेंड नॉन ग्रेनुलोसाइट कणिका रहित। इसमें से फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट और कणिका में श्वेत अणु, डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में। कोशिका द्रव इसके अंदर सूक्ष्म कणिकाएं उपस्थित होती हैं, इस वजह से इसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। इसका केंद्रक जो होता है डब्ल्यूबीसी में कणिका में श्वेताणु का केंद्रक अनियमित आकार का, यानी कि इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता, वो बदलता रहता है, अनियमित होता है और अनेक पिंडों के अंदर बटा होता है, अनेक भागों में या फिर पिंडों में बटा रहता है, अनेक पिंडों में बटा रहता है यानी कि अनेक रूपों में पाया जाता है, अनेक रूपों में यह उपस्थित होता है। इस वजह से इस श्वेताणु को, जिसका केंद्रक अनेक रूपों में बटा होता है, इसको बहु केंद्र रूपी, बहु केंद्र रूपी डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। पूछा जा सकता है यहां से बहु केंद्र रूपी डब्ल्यूबीसी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका केंद्रक जो होता है वो अनेक भागों या अनेक पिंडों में बटा होता है, अर्थात अनेक रूपों में पाया जाता है, इस वजह से इसको बहु केंद्र रूपी डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। इसके बाद इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, सेकंड बेसोफिल, थर्ड इओसिनोफिल या एसिडोफिल। इसमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल, डब्ल्यूबीसी के केंद्रक में पाया जाने वाले जो कणिकाएं हैं वो अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। जो अभिरंजक होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट न्यूट्रोफिल, डब्ल्यूबीसी जिसके केंद्रक में पाई जाने वाली जो कणिकाएं होती हैं वो क्षारीय है, इसके साथ अम्लीय है, दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती है, इसलिए इनका जो कलर होगा रंग वो बैंगनी होता है, और यहां से क्षारीय और अम्लीय दोनों होने की वजह से ये न्यूट्रोफिल होती है, यानी कि इनको उदासीन कणिकाएं बोलते हैं या उदासीन डब्ल्यूबीसी के नाम से भी इनको जाना जाता है।
ये डब्ल्यूबीसी का सर्वाधिक भाग होती है, यानी कि अधिकांश भाग का निर्माण करते हैं। कुल डब्ल्यूबीसी का 62% भाग केवल न्यूट्रोफिल्स बनाती है, यानी कि डब्ल्यूबीसी में जो इससे भाग है सबसे ज्यादा कणिकाएं जो उनसे पाई जाती है वो न्यूट्रोफिल्स होती है, सर्वाधिक मात्रा में ये इसमें पाई जाती है और इसके 62% भाग का निर्माण ये अकेली करती है। इनका जीवन काल, न्यूट्रोफिल जो होती है इनका जीवन काल जो होता है वो 10 से 12 घंटे का होता है, 10 से 12 घंटे का। इनका केंद्रक जो होगा वो 2 से 7 पिंडों में बटा होता है, ये इसके 2 से 7 भाग होते हैं। न्यूट्रोफिल के अंदर कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है। कोशिका पारण का मतलब ये होता है जो रुधिर होता है या डब्ल्यूबीसी जो है उसमें से ये निकलकर बाहर ऊतकों में आ सकती है, ये अपनी कोशिका की कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें से निकलकर ये बाहर आ सकती है। और इनका कार्य जो होता है वो भक्षाणु का ये कार्य करती है, यानी कि ब्लड के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। कासी न्यूट्रोफिल जो है वो पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट जो है इसका वो है बेसोफिल। बेसोफिल जो है उसमें जो कणिकाएं पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में वो क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। सेकेंड पार्ट बेसोफिल, इसमें पाई जाने वाली सूक्ष्म जो कणिकाएं हैं कोशिका द्रव में वो क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती है और इनका रंग जो होता है वो नीला होता है। क्षारीय अभिरंजक एग्जाम्पल मिथाइल ब्लू, जो कि लैब जो है बायो की उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है और पदार्थ जो है उनको जो सेक्शन काटे जाते हैं उनको अभिरंजित करने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ये कुल डब्ल्यूबीसी का 0.5% भाग बनाती है, यानी कि कुल डब्ल्यूबीसी जो है उसका 0.5% भाग जो है वो बेसोफिल्स होती है। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है, यानी कि जीवन काल जो है वो 8 से 10 दिन का होता है। इसके केंद्रक के अंदर यह केंद्रक जो है वो 3 पिंडों में बटा होता है। पिंडों की जो संख्या है वो कितनी हो गई यहां पर 3 पिंड। कार्य बेसोफिल जो है इसका कार्य होता है हिस्टामीन हिपेरिन, हिस्टामिन और हिपेरिन के अलावा सेरोटोनिन इसका श्राव करना, तीन पदार्थ जो है इनका इसके द्वारा श्राव किया जाता है। हिस्टामिन पेरिन और सेरोटोनिन आदि का इसके द्वारा श्राव किया जाता है और इनका जो बेसोफिल्स है इसकी संख्या वो एलर्जी के समय ये बढ़ जाती है, यानी कि इनकी संख्या जो है वो एलर्जी के समय बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट इओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल्स,
इयोसिनोफिल या फिर एसिडोफिल। इनकी कोशिका द्रव में पाया जाने वाला सूक्ष्म कण होते हैं जे अम्लीय अभिरंजकों से रंजित होते हैं। उनका रंग जो होता है वो लाल या हल्का गुलाबी होता है, और अम्लीय अभिरंजक जो है उसके एग्जाम्पल में यहां से हम ले सकते हैं से इमोसिन। लाल रंग प्रदान करता है। इसके अलावा इसके अंदर केंद्रक जो होता है, इसका केंद्रक दो पिंडों में बटा होता है, यानी कि केंद्रक दो भागों में इसका बटा होता है। जीवन काल 14 घंटे का होता है। जीवन काल 14 घंटे का होता है। डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% भाग ये बना, यानी कि कुल डब्ल्यूबीसी जो है उसमें 2 से 3% इयोसिनोफिल पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो अस्थमा या फिर अंत संक्रमण इसके दौरान बढ़ जाती है, और कार्य एंटी स्टेमिनिक यानी कि एलर्जी के विरुद्ध इनका कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से जो डब्ल्यूबीसी है उसके प्रकार, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, सेकंड बेसोफिल और इयोसिनोफिल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।